खबर संभल से है, जहां एक मकान की कच्ची छत गिरने से दो बच्चों समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं करीब 10 लोगों के घायल होने की खबर है। हादसा उस समय हुआ जब रात के 2 बज रहे थे और सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और ग्रामीणों व पुलिस प्रशासन ने मलबे में दबे लोगों को निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं मौके पर पहुंचे SDM संभल दीपेंद्र यादव ने पीड़ित परिवार को मदद का आश्वासन दिया है। पूरा मामला संभल जिले के हयातनगर थाना क्षेत्र के सरायतरीन मोहल्ले के पीला खदाना का है, जहां जिस घर की छत गिरी है उसी घर में सोमवार को निकाह था। हादसे से कुछ घंटे पहले ही दुल्हन को लेकर बारात घर लौटी थी और जिस वक्त हादसा हुआ लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। छत गिरने से हुए तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी चौंक गए। पहले तो उन्हें लगा कि कहीं धमाका हुआ है, लेकिन शोर मचने पर मौके की ओर दौड़ पड़े। भारी धूल के कारण पहले तो लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ है। माजरा समझ में आते ही पुलिस को सूचना दी गई और एकजुट होकर मलबे को हटाना शुरू कर दिया। काफी मशक्कत के बाद मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला जा सका। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि जिस परिवार के साथ हादसा हुआ है, यदि उस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला होता तो शायद जिन लोगों की जान गई है वो आज जिंदा होते। सर परिवार रूप के आश्वासन दिया सर। देखिए, अभी घटनास्थल हम लोगों ने देखा है, बहुत दुखद और दर्दनाक घटना हुई है बीती रात को, जिसमें एक परिवार में शादी का कार्यक्रम था और उनके रिश्तेदार शादी के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए थे। इनके घर की छत जो है कच्ची थी और कुछ लोग घर में सोए हुए थे और संभवतः कुछ लोग छत पे भी सो गए, जिसकी वजह से छत जो है भार वहन नहीं कर पाया और दो बच्चों की और एक महिला जिनकी उम्र 36 साल थी उनकी मृत्यु हुई है। और इसमें हर संभव इनको मदद दी जा रही है, जो सरकारी सहायता है वो दी जा रही है, स्थानीय लोग भी इनकी मदद कर रहे हैं। घायलों का इलाज बेहतर से बेहतर कराया जा रहा है और इन्हें बेहतर से बेहतर इलाज कराने के लिए हम लोगों ने कहा है और ये कहा है जो भी खर्च होगा उसको हम लोग। सर जैसे कच्चा घर है इनका और पहले से अधिकारी ध्यान दे रहे थे तो नगर हादसा नहीं होता। देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, इनका कच्चा घर है, प्रधानमंत्री आवास के लिए इनका जो है स्वीकृति भी साथ मिल गई है, DPR चला गया है और पैसा इनके खाते में जब ही आ जाएगा तो ये मकान बना लेंगे। वो प्रक्रिया में समय लगता है अपना और वो प्रक्रिया इनका स्वीकृत हुई है, इनका आवास स्वीकृत हुआ है। ऐसा नहीं है कि इनका आवास अस्वीकृत किया गया है, जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनका सत्यापन हो चुका है और आवास इनका स्वीकृत हो चुका है। अब सारी प्रक्रिया पूर्ण करने में और सारे आवास चूँकि एक साथ ही होते हैं जितने भी जनपद के और जितने भी तहसील के हैं, तो उस प्रक्रिया में है और पैसा जब रिलीज होगा तो इनके खाते में ही सीधा आएगा। तो इस वजह से ये जरूर है कि अगर ये पक्का मकान रहा होता तो हो सकता है ये हादसा ना होता। ठीक है।